स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ अभी लोनावला में, लोनावला टूरिस्ट प्लेसेस। इस वीडियो में हम लोनावला के सभी डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस घूमने वाले, और आप एक दिन में कितने टूरिस्ट प्लेसेस कवर कर सकते, लोनावला घूमने के लिए कौन सा बेस्ट सीजन रहेगा, लोनावला में आपको टूरिस्ट प्लेसेस कैसे विजिट करना है, इस वीडियो में मैं आपको लोनावला का पूरा ट्रैवल गाइड करने वाला हूँ। तो ये वीडियो को पूरा देखो। और जिस टूरिस्ट प्लेस में हम जाने वाले, वो सभी टूरिस्ट प्लेसेस एक दूसरे के बाजू में लोकेटेड है। आपको ज्यादा चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको ज्यादा ड्राइविंग करने की जरूरत पड़ेगी। सो लेट्स गो। लोनावला मुंबई से 80 किलोमीटर के दूरी पर है, और पुणे से लोनावला 65 किलोमीटर के दूरी पर है। 3 घंटे के बाइक राइड करने के बाद हम फाइनली लोनावला पहुंच चुके, और लोनावला आते ही इस छोटे से वाटरफॉल ने हमारा स्वागत किया। और ये वाला वाटरफॉल आपको सितंबर मंथ के एंड तक ही मिलेगा। सितंबर के बाद मानसून खत्म हो जाता है। अभी हम मुंबई लोनावला हाईवे सीनिक व्यू पॉइंट पर आ चुके, और यहाँ से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर का व्यू नजर आता है। और सामने आप देख सकते हैं एक्सप्रेसवे भी आपको यहाँ से काफी ब्यूटीफुल नजर आता है, और इवनिंग के टाइम पर यहाँ पर सनसेट भी आपको काफी ब्यूटीफुल नजर आता है। और इवनिंग के बाद यहाँ से जो सिटी का व्यू नजर आता है नाइट को, वो भी काफी यूनिक होता है। और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट रुकते हैं, और ये वाला पॉइंट आपको मुंबई से लोनावला जाते वक्त नजर आ जाएगा। और थोड़ा सा आगे आते ही आपको ये वाले सीढ़ियां यानी कि स्टेयर्स नजर आएंगे। इन सीढ़ियों से आप ऊपर चढ़कर भी जा सकते, और यहाँ से आपको पूरा लोनावला हाईवे का 360 व्यू देखने को मिलता है। यहाँ से आपको काफी डीप वैली का व्यू नजर आता है। यहाँ से आपको पूरा लोनावला का जो घाट सेक्शन है वो नजर आता है, और सामने आप देख सकते हैं हाईवे का कितना यूनिक और अलग व्यू आपको नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेकिन इन सीढ़ियों से ऊपर आते वक्त आपको केयरफुली आना है। अभी हम लोनावला के मेन टूरिस्ट प्लेसेस घूमना स्टार्ट करने वाले, और ये सभी टूरिस्ट प्लेसेस हम जो घूमने वाले, वो आप एक दिन में आराम से घूम सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं लोनावला खंडाला लेक के पास में, और हम घर से ही ब्रेकफास्ट लेकर आए थे। लेक के पास में बैठकर ब्रेकफास्ट करने का मजा ही कुछ अलग होता है। और अगर आप लेक में बोटिंग करना चाहते तो यहाँ पर आपके लिए बोटिंग का भी ऑप्शन है। और लेक के साथ में आपको पीछे जो माउंटेन्स बना हुआ है, यहाँ पर आपको बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर की सीनरी देखने को मिलती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी हम निकल पड़े हमारे नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेसेस की ओर। सबसे पहले हम आ चुके हैं आई एकवीरा देवी टेंपल पे। एकवीरा देवी टेंपल में दर्शन करने के लिए आपको 30 मिनट्स का ट्रैक करके ऊपर जाना होता है, और ऊपर जाते वक्त आपको ये वाला वाटरफॉल जरूर नजर आएगा। और ये वाला वाटरफॉल मानसून के टाइम में थोड़ा सा ज्यादा होता है। और अभी आप देख सकते हैं काफी सारे टूरिस्ट यहाँ पर एंजॉय कर रहे, सेल्फीज वगैरह क्लिक कर रहे। आप भी यहाँ पर इस वाटरफॉल के नीचे एंजॉय कर सकते, और नीचे आपके लिए पार्किंग एरिया बना हुआ है, जहाँ पर आप अपनी कार या बाइक आराम से पार्क कर सकते। और ये वाला वाटरफॉल आपको सितंबर मंथ तक ही मिलने वाला है। आई एकवीरा देवी के दर्शन करने के बाद आप कारला के हाउस भी विजिट कर सकते हैं। और दर्शन होने के बाद यहाँ पर जो मीठा प्रसाद मिलता है, जिसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, ये प्रसाद आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अभी हम एक वाटरफॉल पर आ चुके हैं, जिसका नाम है भाजे वाटरफॉल। और ये वाला वाटरफॉल आई एकवीरा देवी टेंपल से 6 किलोमीटर के दूरी पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। इस वाटरफॉल के नीचे जाकर आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और मानसून में ये वाला वाटरफॉल थोड़ा सा ओवरफ्लो होता है। मानसून में यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। और ये वाटरफॉल आपको सितंबर मंथ के एंड तक ही मिलने वाला है, क्योंकि सितंबर के बाद मानसून खत्म हो जाता है। भाजे वाटरफॉल विजिट करने के बाद अभी हम आ चुके हैं भाजे के हाउस पर। भाजे वाटरफॉल और भाजे के हाउस, ये दोनों भी टूरिस्ट प्लेसेस एक दूसरे के बाजू में ही लोकेटेड है। सो यहाँ पर है भाजे वाटरफॉल, और ठीक इसी के सामने आपको यहाँ पर ये वाले सीढ़ियाँ नजर आएगी। यहाँ से आपको भाजे के हाउस यानी कि भाजे लेने के लिए यहाँ से थोड़ा सा ट्रेक कर जाना होता है।
भाजे केव्स में टोटल 22 केव्स है और अभी आप सामने जो देख रहे हैं उस जमाने में यहाँ पर रेस्ट किया करते थे। और अभी सामने जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर अंदर अलग अलग रूम्स बने हुए, उस जमाने में इन रूम्स में भिक्षु लोग रहा करते थे। और भाजे केव्स का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो स्थान है वो चैत्य गृह है। चैत्य गृह भाजे केव्स का सबसे पवित्र स्थान है और यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर ज़रूर विजिट करना। अगर आप यहाँ पर आकर विजिट करते तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल हिस्ट्री फील होगी और यहाँ पर जो नक्शी काम वगैरह किए हैं बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, आपको एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। भाजे केव्स में आपको 25 रुपीज़ पर पर्सन एज अ एंट्री फीस देना होगा और भाजे केव्स में ऊपर आने के लिए आपको एक छोटा सा 20 मिनट्स का ट्रेक करके ऊपर आना होता है। और ऊपर आने के लिए जो सीढ़ियाँ जो स्टेयर्स बने हुए वो काफ़ी कंडीशन में, ऊपर आने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी। सो भाजा केव्स हमारा एक्सप्लोर करके पूरा हो चुका है और अभी हम निकल पड़े हमारे नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस के। और रास्ते में जाते वक्त हमको बीच में ये वाला वाटरफॉल नजर आ गया जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल है और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट एंजॉय भी कर रहे और ये वाटरफॉल सेफ भी है। आप यहाँ पर इस वाटरफॉल के नीचे जाकर आराम से एंजॉय कर सकते हैं और जितने भी हमने वाटरफॉल्स आपको दिखाए वो सभी आपको सिर्फ सितंबर मंथ के एंड तक ही मिलने वाले और आपको अपने सेफ्टी का ख्याल रखते हुए इस वाटरफॉल के नीचे एंजॉय करना चाहिए। हम जैसे ही हमारे नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस की ओर निकल पड़े अचानक से पूरा नेचर चेंज हो गया। आप देख सकते हैं रोड में पूरा फॉगी फॉग आ चुका है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और नेचर ने अचानक से मैजिक कर दिया और कितना ब्यूटीफुल नज़ारा हो चुका है। और हमारा नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस है लोहगढ़ फोर्ट। लोहगढ़ फोर्ट पे 25 रुपीज़ एज अ एंट्री फीस लिया जाता है और लोहगढ़ फोर्ट के बेस पॉइंट पर ही पार्किंग एरिया बना हुआ है। लोहगढ़ पे आपको जाने के लिए 30 मिनट्स का छोटा सा ट्रैक करना होता है और लोहगढ़ फोर्ट पे महादेव मंदिर, त्र्यंबक तालाब, 16 कोनी तालाब, विच्छुकड़ा ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जिसमें से महादेव मंदिर आप ज़रूर जाना, वहाँ पर दर्शन ज़रूर करना और महादेव मंदिर के बाजू में ही त्र्यंबक तालाब आपको नज़र आ जाएगा। और यहाँ का जो विच्छुकड़ा है वो पॉइंट भी आपको एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। सो अभी हमें लोहगढ़ के विच्छुकड़ा पॉइंट पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा फॉगी फॉग है, विजिबिलिटी थोड़ा भी नहीं है, पूरा ज़ीरो विजिबिलिटी है। तो अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सो हमारा लोहगढ़ ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं विसापुर फोर्ट के पार्किंग एरिया पे खड़ा हूँ। सो आप देख सकते हैं सामने से व्हीकल आ रही है, उन्होंने लाइट चालू करी है, व्हीकल भी हमें नज़र नहीं आ रहे। वहाँ पर पार्किंग एरिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्यान से देखो यहाँ पर बाइक्स पार्क है, बहुत सारे कार्स। और यहाँ पर विसापुर फोर्ट है और इसके सामने ही लोहगढ़ फोर्ट है, लेकिन आप पूरा देख सकते हैं कैमरा में आपको नज़र ही आ रहा होगा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, विजिबिलिटी थोड़ा भी नहीं है, पूरा ज़ीरो विजिबिलिटी है। आप सामने देख सकते हैं ये वाला रोड है नीचे जाने का, भाजा क्या उसके तरफ ये वाला रोड जाता है, लेकिन यहाँ पर आप विजिबिलिटी देख लो। तो इस वजह से हमको विसापुर जाने का प्लान कैंसिल करने पड़ा, पूरा फॉगी फॉग है इसके वजह से हमको विसापुर जाने वाला प्लान कैंसिल करने पड़ा। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पूरा फॉगी फॉग और ठंडी इतनी बज रही है ना कि क्या बोलूं मैं। और आप देख सकते हैं पूरा फॉगी फॉग है और इस फॉग के मजे लेते हुए हम लोग जा रहे हैं। लोनावला में आप आइए कवीरा देवी टेम्पल दर्शन करने के बाद भाजे केव्स देख सकते हैं और भाजे केव्स के बाजू में भाजे वाटरफॉल है। वाटरफॉल भाजे केव्स देखने के बाद आप लोहगढ़ फोर्ट आ सकते हैं, लोहगढ़ फोर्ट देखने के बाद आप विसापुर फोर्ट देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।